कानोता इलाके में लगातार हो रही बारिश से कानोता बांध लबालब हो गया है। करीब 24 साल बाद बांध पर पानी की चादर चल रही है, जिससे इलाके में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। बांध पर पानी की चादर देखने के लिए पिछले 5 दिनों से लोगों की भीड़ उमड़ रही है और मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। जयपुर से दूर दराज के पर्यटक बांध की चादर देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राजधानी के लोग कानोता बांध पर चल रही चादर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं इस दौरान हादसा भी पेश आया है। 5 युवक इस बांध में नहाते समय डूबने से उनकी मौत हो गई है। अपने परिवार के साथ में आए तभी आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। यहाँ पे इतनी भीड़, चादर, चलिए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि हम कब यहाँ आए और इस बारिश का और इस पानी का आनंद ले सकें। और आज इस सावन की इस ठंडी ठंडी फुहारों के बीच में हम सारी परिवार के साथ कानोता डैम देखने आए थे और बहुत आनंद है। लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सारे गम खुला के सिर्फ सावन के गीतों का मस्ती का आनंद ले रहे हैं। तो जयपुर से भी मेरा निवेदन है, आप सब परिवार के साथ यहाँ आए, मस्ती करें, गरम गरम भुट्टों का आनंद लें, गरम पकौड़ों का आनंद लें और इस प्यारे से मौसम में खूब मस्ती करें। जयपुर के बहुत सारे बांध अभी हमारे पानी से सूखे हैं, तो बहुत सारे 2-3 बांध में जिसमें पानी आ रहा है, तो यहाँ पे कानोता पे आके बहुत ही ज्यादा मन आनंदित हो गया है कि इतना पानी भर गया है। अभी यहाँ पर चादर चलने लगी है। इस मौसम में अगर यहाँ पे आके देखा जाए इसको, तो बहुत ही मन हर्षित।